नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आप देख रहे हैं टेक्निकल मयूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं S9 Plus Mini की। यानी आप सभी सोच रहे थे कि S9 Plus Mini आने वाला है, लेकिन आप सभी को एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, वो बता दूँ कि अब S9 Plus Mini जो आने वाला था वो नहीं आएगा। उसकी जगह उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी ड्रीम लाइट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो कि फ़ोन आने वाला है S9 Plus के जैसे दिखने वाला डुअल कैमरा के साथ में, वो जो मोबाइल फ़ोन होगा वो नहीं होगा, S9 Plus सीरीज़ का एक पार्ट नहीं होने वाला है। उसकी जगह उस फ़ोन का जो नाम है वो रख दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी ड्रीम लाइट। तो दोस्तों, एक मोबाइल फ़ोन जो है मॉडल नंबर G8750 के साथ जो है गिग बेंच के ऊपर स्पोर्ट हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो है ये शायद ड्रीम लाइट होने वाला है, जो कि बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 660 के साथ आने वाला है, ना कि 845 के साथ, जो कि पुराने रिपोर्ट्स में बताया गया है, और एंटूटू ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। तो दोस्तों, इसकी जो स्क्रीन होगी वो होगी 1080p × 22x20 pixel क्वाड HD प्लस डिस्प्ले। अगर हम एडिशनल स्पेक्स की बात करें तो आपको इसमें 4GB की रैम मिलेगी और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जो कि ये जो फ़ोन होने वाला है ये रन करेगा एंड्रॉयड के 8.0 ओरियो के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बता दूं कि लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन है ये S9 सीरीज़ का कोई पार्ट नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी ये जो मोबाइल फ़ोन है ये एकदम सॉलिड फ़ोन है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो मोबाइल फ़ोन है कैसा लगा और इसका नाम चेंज करा वो सही करा या नहीं करा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही अपडेट लेने के लिए। सैल्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, अवॉइड ड्रग्स, रिस्पेक्ट वुमेन। जय हिंद, धन्यवाद।